बिहार मांगे रोजगार। अब एनपीआर का मसला ऐसा है कि सरकार आप ने कहा है कि हमने प्रस्ताव पास कर लिया है, ठीक है, बधाई हो। विपक्ष भी कह रहा है कि हमारी मेहनत का नतीजा है, आपको भी बधाई हो। लेकिन हमारा ये नजरिया है कि ये आंदोलन एक पार्टी, एक झंडा, एक नेता और एक चेहरा का मुकाबला नहीं है। ये आंदोलन बिना नेता, बिना पार्टी, बिना झंडा जनता के साथ और हिम्मत से लड़ा जा रहा है। अगर ये आधी जीत हुई है तो ये जीत किसी व्यक्ति की नहीं, किसी पार्टी की नहीं, किसी सरकार की नहीं, हम बिहार वासियों की एकता की जीत है। हमको इस रूप में स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ऐसा है ना कि हम लोग हैं थोड़ा भोले लोग, शैंपू के डिब्बा पे 50% एक्स्ट्रा लिखा रहता है ना, हम लोग कहते हैं वही डिब्बा देंगे। जिस दुकान के बाहर बड़का बड़का दो SALE लिखा रहेगा ना, उस दुकान में हम लोग सबसे पहले घुस जाते हैं। जहां ये लिखा रहता है ना 1-1-3, उस दुकान में हम लोग सबसे पहले चले जाते हैं। लेकिन हम लोग खरीदारी नहीं करते, हम लोग कोई सौदेबाजी नहीं करते, हम लोग देश बचाने की बात करते हैं, हम लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, हम लोग गांधी और अम्बेडकर की बात करते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो सौदेबाजी में नहीं, लफ्फे मतलब खाली में हम लोगों को नहीं घुसना चाहिए। अगर सरकार कहती है कि हम नाराजगी नहीं करेंगे तो जो एनपीआर करने का गजट नोटिफिकेशन है, माननीय सरकार उसको वापस ले ले, हम लोग विधिक धन्यवाद सरकार को भेज देंगे। क्या है कि नहीं है? अभी तक एनपीआर का गजट नोटिफिकेशन नहीं बाहर किया गया है, नहीं वापस लिया गया है, और हमको किसी सरकार से किसी बात की कोई उम्मीद भी नहीं रखी है।